पेस लगानी है इन्होंने भाई, जल्दी लगी हुई है निकलने की। ठीक है वो भाई साहब, बड़ा ज्यादा ट्रैफिक। बस वाले सर रुक जाओ जरा। ओए ये क्या हुआ है, बाहर गिर गया हुआ। अच्छा इसकी वजह से ट्रैफिक जाम लगा हुआ आई थिंक। हेलो भाई कैसे हो? तो गाइस आज का सीन कुछ ऐसा है, आज हम जा रहे हैं ऊपर धर्मशाला मतलब मैकलोडगंज वाली साइड। तो एक्चुअल में ऐसा है सीन है कि अभी मैं धर्मशाला गया था तो मैंने मौसम देखा है भाई खतरनाक हो गया, धुंध वगैरह पड़ी है, लेकिन अभी फिर से यहाँ पे धूप वगैरह हो गई है। तो देखते हैं क्या बनता है, ऊपर मौसम देखेंगे देन उसके बाद निकलेंगे। तो अभी मैं जस्ट यहाँ से दादाजी को लेकर जा रहा हूँ वो धर्मशाला छोड़ने, उसके बाद और साथ में एक बंदा और होगा मेरे साथ, हम दो जाएंगे। मतलब बाइकर नहीं होगा, एज अ पिलियन जाएगा वो मेरे साथ, धुंध हुई ना तो जाएंगे। और ये ब्लॉग ही तभी बनेगा, धुंध वगैरह नहीं हुई नॉर्मल रहा तो नहीं जाएंगे, क्योंकि फॉग देखने का जो मजा भाई और फोग में राइड करने का जो मजा है वो अलग ही है भाई, नेक्स्ट लेवल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम रीसेंट वीडियो का कमेंट रीड कर लेते हैं। तो भाई जो सबसे पहले कमेंट आया वो है कमल जट, और जो सेकंड नंबर पे कमेंट आया वो है दीपू HP40, और जो थर्ड नंबर पे कमेंट आया वो है भरत बांबा। तो भाई ये जो तीन कमेंट थे वो जो सबसे पहले आए थे, आप भी जाओ जल्दी से नीचे कमेंट कर दो ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट मिल सके। अभी चलते हैं बाइक को करता हूं मैं कोल्ड स्टार्ट, देन निकलते हैं। फिर कोल्ड स्टार्ट पे लगा दी अपनी ब्लू, और ये जो है ना मिरर सभी मैंने ओपन करे तो वो इतने गर्म है ना, धूप में खड़ी थी बाइक, वैसे तो कवर करी थी मैंने पूरी, और सीट वगैरह बड़ी ज्यादा गर्म है यार, बैठा नहीं जाएगा, टैंक भी गर्म है भाई साहब। मम्मी डोर खोलो, निकलते हैं अभी। कोल्ड स्टार्ट पे लगा दी थी, ऐसे हो गई है अभी तक तो, एक सेल आ गया हुआ है। और क्या काम है मुझे आज, कहाँ जा रहा हूँ वो भी आपको बताऊंगा। ये लो भाई दादाजी को लेके जाना साथ में, धीरे धीरे चलना पड़ेगा अपने को, फिर दादाजी को छोड़ने के बाद बताता हूँ भाई क्या क्या काम है अपने को। पकड़ी के बैठा मिल जो पचास नहीं पकड़ना दादा, थोड़ा एक बाल गांव पकड़ा ना, हाँ एक गांव पकड़ लेंगे ठीक है, ओला चलना मैं। चलो गाइस बिठा लिया दादा को, पीछे से कुछ आ रहा है, गाड़ी को जाने देते हैं, कोई शिफ्टर नहीं करूंगा अभी यूज में, धीरे धीरे चलेंगे। दादा आ दादा गां पकड़ने हो, और दादा पावर बड़ी ज्यादा, कई बार कुछ मिसअप हो जाती यार समझा। वैसे तो हम धीरे चलेंगे, इससे ऊपर नहीं जाऊंगा मैं, नॉर्मल स्पीड पे चलेंगे, और ब्रेक्स वगैरह भी बिल्कुल आराम से लगाएंगे जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो दादाजी को। बाकी यार मैं ऊपर छोड़ता हूँ दादा को, देन उसके बाद मिलता हूँ। अभी दादा को ड्रॉप कर दिया हुआ है, जहाँ उन्होंने जाना था एक्चुअल में कुछ काम था। और अपने को क्या काम है, अपने को अभी पूर्वी के पास जाना है, हमने कॉलेज से उसका कुछ सामान लेके आना, वो कुछ फंक्शन था उसके रिलेटेड लेके आई थी, लेकिन वो पोस्टपोन्ड हो गया, तो फिर वो दोबारा उसको घर नहीं ले जाना चाहती, तो इसलिए बुलाया था उसने मुझे। उसकी फ्रेंड के पास है वो, तो उससे पिक करना क्योंकि उसकी क्लास लगी है पुप्पू की इस टाइम पे। अभी करते हैं पिक उसका सामान सारे, देन फिर निकलते हैं भाई, सोचते हैं कहाँ जाना ऊपर मैकलो का सोचे हुआ, वैसे देखते हैं क्या सीन बनता है भाई अपना। यहाँ कहीं पे बोला था उसकी कोई फ्रेंड थी, देखते हैं ग्रीन टॉप, आई डोंट नो कौन है वो लड़की। अच्छा अच्छा बस बढ़िया, तू बता। कांग्रेचुलेशन भाई, अरे थैंक यू भाई। कहाँ जा रहा है? कॉलेज से आएगा। अच्छा अच्छा हेलो, हाय, ये आ जाएगा बैग में? ये आएगा तो नहीं, बट आप ऐसा करो अपने पास रखो ना, मैं किसी को लेके आता हूँ साथ में ना, जो मेरी फ्रेंड है यहाँ पे। हाँ उसने मेरे को मैसेज किया था अभी, आप रखो दो मिनट, वेट कर लोगे। हेलो और कैसे हो? बस बढ़िया, आप बताओ। अच्छा देखा था उस दिन ना। अच्छा अच्छा अपने ब्लॉग पे भी था एक बार। आपको हेलमेट पीछे पहन लेना। हाँ 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 चलो भाई आप रखना ना अपने पास, मैं आया दो मिनट में ठीक है, एक फ्रेंड को लेके आता हूँ, बैग में तो आएगा नहीं ये। पाँच मिनट रख लो आप, पाँच मिनट ठीक है, ओके थैंक्स भाई। तो गाइस अभी बैग थोड़ा ज़्यादा बड़ा है तो यार अपने को साथ में एक लड़का लाने पड़ेगा, मतलब फ्रेंड लाने पड़ेगा साथ। एक घंटे से वेट कर रहे थे मेरा, इन्होंने कहा भाई पाँच मिनट के लेके आओ जल्दी 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 चलते हैं भाई, देन उसके बाद निकलते हैं यार। चल जल्दी बैक कर लिए इसको भी पिक। हाँ वो तेरी फ्रेंड थी यहाँ पे अभी, कहाँ गई यार पता नहीं, दे वो तेरी फ्रेंड थी उसको कॉल कर, यहाँ पे थी अभी, ये इसके पास दे दे बस ये, तूने कब आना है पकड़ी करके ठीक है, ठीक है ठीक है फिर ओके चल तो तांती फिर। तो गाइस ये अपने भाई लोग मिल गए हैं, और भाई कैसे हो? बढ़िया भाई। सारे भाई ऐसे प्यार बनाए रखना भाई, ओके भाई ओके।
तो गाइस अभी जस्ट निकल आए हैं कॉलेज से और भाई यार अपने सब्सक्राइबर लोग मिले यार, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। बस ऐसे प्यार और सपोर्ट बनाए रखो। तो अभी यहाँ से तो नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ से रोड खराब है, तो हम यहाँ से जाएंगे अपनी कॉलोनी से होके। बाकी चलते हैं ऊपर वाली साइड, देखते हैं क्या बनता है। सीन ऐसा है कि यार प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा अपने को राइड, क्योंकि यार ऊपर ना अभी बारिश हो रही है, बूंदाबांदी गिर रही है यहाँ पे, तो इट मीन्स की ऊपर तो खतरनाक बारिश हो रही होगी। इस व्लॉग को ऐसे कंटिन्यू करेंगे हम, नेक्स्ट डे का जो भी होगा वो हम साथ में कंटिन्यू कर देंगे। हेलो गाइस, आज सेकंड डे और एक्चुअल में जाना था हमने धर्मशाला था, जैसे कि आपको पता है कि हमने मैकलो जाने का प्लान बनाया था, लेकिन आज भी बारिश वगैरह रही पूरा दिन। टाइम पे भी मौसम देख लो आप, दूसरा ये खतरनाक, तो ऊपर वाली साइड हम नहीं गए। और नहीं तो स्कूटी भी हमने छोड़ी है होंडा शोरूम में, का जो है अलॉय जो है वो रिप्लेस करवाने को दिया हुआ है, उसी को लेने जा रहे हैं। मेरे साथ तांती भी है, तांती डोन, जो नहीं जानते हैं वही तांती डोन को आप जानते हो धीरे धीरे। तो तांती डोन भी है। 6 बजे के अराउंड होती है शायद एजेंसी बंद, 4 बजे बोला था 4 बजे पहुंच जाऊंगा, बट यहाँ पे 4:20 हो गए हैं, जल्दी निकलना पड़ेगा अपने को। फील कराती है और अपनी ब्लू कसम से मतलब भागती है ना पावर। अभी तो मैं इसको मतलब 7000 आरपीएम से ऊपर नहीं लेके जा रहा हूँ, अल्टीमेट फील दे रही है यार बाइक। क्या भाई साहब रेस लगानी है इन्होंने, भाई रेस लगानी है, देख रहे हो जल्दी लगी हुई है निकलने की। भाई साहब इसको मैंने पोक किया था थोड़ा सा पीछे, देन उसके बाद हम ओवरटेक नहीं करेंगे, ओवरटेक नहीं करेंगे हम। स्कूटी ले जाना मुश्किल हो जाएगा। ओ भाई साहब यहाँ से निकलना हमने, बस वाले सर रुक जाओ जरा हमें निकलने दो। डर लगता है यार बस से इतनी नजदीक खड़े हो गए, क्योंकि ड्राइवर्स को दिखता नहीं है कुछ भी, ट्रक ड्राइवर्स और बस ड्राइवर्स को अगर नजदीक खड़े हो बस के बिल्कुल, मिरर्स क्लोज कर लेते हैं भाई ट्रैफिक में। गाइस देख रहे हो ऊपर बारिश लगी है ना, इसका मतलब खतरनाक ही। ओए ये क्या हुआ है, बाहर गिर गया हुआ। अच्छा इसकी वजह से ट्रैफिक जाम लगा हुआ आई थिंक। अच्छा ये नीचे घुस गया हुआ यार, पंजाब का है ये और कंजस्टेड एरिया में ना जो बाहर के राइडर्स हैं ना उनको थोड़ा हिमाचल में प्रॉब्लम होती है, जैसे देख लिया आपने किस तरह की प्रॉब्लम होती है भाई, बाहर गिर गई हुई गाड़ी रोड से बाहर हो गई हुई है। सर स्कूटी लेने आए अपनी। चलो गाइस पार कर दी अपनी बाइक अभी, भाई क्या सुपर सेक्सी लगती है भाई साहब। ये रही गाइस अपनी डियो और उसका अलॉय तो नहीं लग रहा, सब कुछ चेक कर लेंगे बाकी। अभी मिल गई अपनी स्कूटी, अलॉय भी बिल्कुल न्यू है फ्रेश, को थोड़ा टेस्ट वेस्ट कर लेते हैं, एक टेस्ट राइड ले लेते हैं, देन फिर उसके बाद निकलेंगे। यार फ्यूल अप करवाना पड़ेगा, मेरे को तो लग रहा फ्यूल ही नहीं है यार इसके अंदर, इतना कम तो मैं दे के नहीं गया था फ्यूल। हाँ मैंने नहीं रिफ्यूलिंग नहीं करवाई थी मैंने, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे रखने पड़ेगी स्कूटी। अब पा रहा है यार फ्यूल पीछे है तो नहीं कुछ, एक बार ब्रेक लगा के देख लेंगे। हाँ भाई नहीं तो पहले ना जैसे हम ब्रेक लगाते थे ना तो ये ना ऐसे टक टक करता था हैंडल, कांपता था हैंडल बड़े खतरनाक तरीके से। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे तो उसमें वही हैंडल कांपता था ये। अब वो सीन बिल्कुल सही हो गया, अपना अलॉय भी हो गया बिल्कुल डन, मैं फ्यूल वगैरह डलवाते हैं देन निकलते हैं फिर घर। ये लो गाइस अपना सारा कंप्लीट हो गया, टू जेड स्कूटी भी चेक कर ली, एयर कोपरे में पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, फाइल करप्ट कर दे रही है, फाइल रिपेयर कुछ इस तरह का सीन है। अभी चलते हैं भाई। ओ भाई साहब बाइक के सामने तो सारे बच्चों का काफिला लगा हुआ है अपने, इसको रखते हैं यहाँ पे, ये कैमरा शूट करने के लिए, जल्दी कर। हाँ हाँ पक्का फ्रेंड। कौन सी क्लास में हो आप? 8th में। घर कहाँ पे है आपके? अच्छा नाम क्या आपका? कन्हैया। वाह भाई क्या सुपर कूल नाम है, कन्हैया है ना, कन्हैया जी, कन्हैया हमारे फ्रेंड बन गया है ना आज से। हाँ ये हमारा राइड ऑन टू व्हील्स चैनल का नाम, देखना जाके घर पे ठीक है, आप भी आओगे वीडियो में ठीक है, कन्हैया नाम का लड़का। चलो ठीक है फिर है ना, ओके बस बढ़िया। आप बताओ भाई की और के? अरे थैंक यू भाई, अरे पक्का जरूर भाई जरूर। आँखें मेरी सपना तेरा
सपने सुबह शाम है, तू है सही या मैं हूँ सही, किस पे इल्जाम है। ऐसी लगन बांधे हुए हूँ मैं खड़ा अब वहाँ, जिस छोर पे था छोटा मेरा हाथों से तेरे हाथ जिसने। अबे पहुंच के घर, एक्चुअल में थोड़ा गैस सिलेंडर रखना है यार अंदर, वो तो शटर में, तो उसको रख लेते हैं, देन उसके बाद निकलते हैं भाई घर। यहाँ पे लगा के जा रहे हैं हम अपने ब्लू को। चल 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 चल। हेलो भाई, पहुंच के घर। पाल मेरा मोटू, मोटू गाइस, ये हमारा मोटू जो नहा नहीं है काफी दिनों से। अरे ओ ची 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 ची, टॉयलेट कर दिया इसने गंदा, पहली बार ही किया होना इतने टाइम के बाद। इसको ज्यादा खुशी होगी कुछ है ना। फाइनली अभी स्कूटी का भी सारा ए टू जेड काम हो गया, वो रहा इसका अलॉय, जो इसमें वाइब्रेशन वगैरह होती थी वो इसके कारण होती थी क्योंकि ये खराब था। तो दैट्स इट, ये था गाइस आज की वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, बहुत अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ऐसे ही मोटू को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ही दो। 30,000 करवा दो यार जल्दी से, 30,000 होने वाले हैं अपने, करवा जल्दी से, सब्सक्राइब करो, शेयर कर दो सभी को चैनल। मिलते हैं किसी को नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस। राइड ऑन टू व्हील्स, इस पे भी सेम लिखवाया है, उस पे भी सेम फ्रंट पे लिखवाया है।